हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक पिवोट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट एंड मार्केट ट्रेंड मार्केट रेंज। एंड आज मार्केट क्या होने वाला है जिंक का ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम पिवोट पॉइंट के बारे में बात कर, तो आप देख सकते हैं जिंक पिवोट पॉइंट 197 एंड द फर्स्ट रेजिस्टेंट 199.2 एंड द सेकेंड 200.5 and the third resistance 202 and the first support 196.05 and the second 194.25 and the third support 192.90। तो आप देख सकते हैं ये जिंक डेली चार्ट, तो जिंक टोटली मार्केट साइडवे में है अभी, तो एक रेंज का अंदर में मार्केट चल रहा है। तो 193 टू 204 एक रेंज में मार्केट घूम रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट इधर देखेंगे तो एक डबल टॉप जैसा फॉर्म कर रहा है कहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में। तो मुझे लगता है मार्केट ये एक रेंज में, जिसे कल हम बात किया था, तो मार्केट एक रेंज के अंदर में, जैसे यहाँ पे एक रेंज के अंदर मार्केट घूमने का शुरू कर रहा है। तो हमें ट्रेडिंग टू ये रेंज में ही करना है, सॉरी ये रेंज में ट्रेडिंग करना है। तो अगर आपको यहाँ पे मिला, ये एरिया में मिला, तो सेल कर सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे मिला तो आपको बाय में जा सकता है। तो एक रेंज में मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि हमें एक रेंज तो मिल गया है यहाँ पे, तो छोटा टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर, तो हम पहले 1 आवर की बात कर ले। तो 1 आवर में कहाँ मिला था हमें एक रेंज, ये रेंज में मिला था। तो ये रेंज में थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ, देख सकता है यहाँ पे ज़्यादा कनेक्टेड पॉइंट, सॉरी ये है कनेक्टेड, ज़्यादा कनेक्टेड पॉइंट है, 1 टाइम 2 टाइम 3 4 टाइम। और नीचे में भी हम देखेंगे कहाँ ज़्यादा कनेक्टेड पॉइंट हमें मिला। एक्जेक्टली यही कनेक्टेड पॉइंट 1 2 3 एक कनेक्टेड पॉइंट। तो ये रेंज में हमें मार्केट ट्रेड करना है, तो ये रेंज में ही हमें मार्केट ट्रेड करना है। तो एक कनेक्टेड पॉइंट, और एक कनेक्टेड पॉइंट हमें मिला हुआ है ये, राइट, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कनेक्टेड हुआ, ठीक है, ये रेंज में। तो ये रेंज में ही हमें, क्योंकि कभी कभी ट्रेडर ये गलत कर देता है, इसको ब्रेकआउट कर दिया 200 का, मार्केट नीचे आएगा, नहीं एक्चुअली मार्केट एक रेंज में चल रहा है। तो ये रेंज में ही हमें ट्रेड करना है। जैसे हम अभी 5 मिनट में देखेंगे, तो 5 मिनट में देख सकता है ये डाउन ट्रेंड प्लेस हुआ है, राइट, डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, परफेक्टली एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो भी क्या होता है, तो मार्केट आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन ट्रेंड यहाँ तक आना है 193। तो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट करेगा ये डाउन ट्रेंड, क्योंकि एक हमें एक रेंज मिला हुआ है, राइट, जो हम डेली में देखा था, हाँ 1203, तो एक रेंज मिला था, और तो ये रेंज में ही मार्केट चल रहा है, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं, और एक बात यहाँ पे फॉर्म क्या है, डाउन ट्रेंड के क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये हायर हाई बनाया, तो बाद में हायर लो एक बनाया, ये जो हायर लो था इसको लोअर लो बना दिया यहाँ पे आके एक, मुझे लगता है यहाँ से रिवर्स करके मार्केट ये जो पहले हायर हाई था उसको ब्रेकआउट अगर कर नहीं पाया तो मार्केट नीचे आने का चांसेस है। तो यहाँ पे लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आने का चांसेस है। कहाँ तक आना आ सकता है यहाँ पे मार्केट, ये एरिया से, राइट, तो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन बनाया हुआ है, जो हमें रेंज मिला था, इसे एक रेंज मिला था डेली में, राइट, डेली में एक रेंज मिला था, इसे इसे आ रहा था, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये लोअर पॉइंट का आसपास ये रेंज में आएगा टू डेली में, और ये रेंज यहाँ से हम बाय करना शुरू करेंगे, और ऊपर कहाँ तक, इसका रेंज ऊपर में जो दिया हुआ है तो वो रेंज तक, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।